वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आइए देखते हैं कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग। तो दोस्तों, कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। तो दोस्तों, इसमें पहला क्या है? सेब। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन। पुष्पासन। तो दोस्तों, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा? पुष्पासन। नाशपाती, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन। दोस्तों, आम, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति। आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति। तो आम का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो मध्य फल भित्ति। इसी तरह दोस्तों, पपीता, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति। दोस्तों, अब हो गया क्या? अमरूद। तो अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा? फल भित्ति या बीजांशन। फल भित्ति और दोस्तों बीजांशन। तो अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति और बीजांशन। तो अंगूर का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति और बीजांशन। इसी तरह टमाटर, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भित्ति और बीजांशन। अब दोस्तों, केला, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य एवं अंता भित्ति। मध्य एवं अंता भित्ति। तो केला का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य एवं अंता भित्ति। तो दोस्तों, अब नारियल, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूण पोष। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूण पोष। अब दोस्तों देखते हैं गेहूं, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूण पोष। भ्रूण पोष एवं भ्रूण। अब दोस्तों काजू, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्प वृंत। पुष्प वृंत और दोस्तों बीज पत्र। तो काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प वृंत या बीज पत्र। अब दोस्तों लीची, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल। एरिल। तो दोस्तों अब चना, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो चना का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज पत्र एवं भ्रूण। चना का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बीज पत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बीज पत्र एवं भ्रूण। अब दोस्तों शहतूत, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसीले
रसीले परिदर्पुंज। तो शहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसीले परिदर्पुंज। और कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो परिदर्पुंज। परिदर्पुंज एवं बीज। अब दोस्तों अनानास, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो परिदर्पुंज। अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है? परिदर्पुंज। अब लास्ट है दोस्तों नारंगी, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो जूसी हेयर। जूसी हेयर। एक बार दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सेब, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन। नाशपाती, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। आम, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फलभित्ति। पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फलभित्ति। अमरूद हो गया, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? फलभित्ति। और बीजांडसन, अंगूर का कौन सा भाग खाया जाता है? फलभित्ति और बीजांडसन। टमाटर, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो फलभित्ति और बीजांडसन। केला का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य एवं अंताभित्ति। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल। चना का कौन सा भाग खाया जाता है? बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बीजपत्र एवं भ्रूण। शहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसीले परिदर्पुंज। कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो परिदर्पुंज एवं बीज। अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है? तो परिदर्पुंज। नारंगी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जूसी हेयर। तो दोस्तों कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।